नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीन लिस्ट जारी की। तीन लिस्ट में नाम तो आए 32, लेकिन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया, यानी कि बदला गया, एक तरह से मान लीजिए काटा ही गया। वहीं पर वाराणसी की जो लिस्ट है, वाराणसी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह पटेल, इनका टिकट क्या कर दिया गया, काट करके एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 63 सीटों में 30 उम्मीदवार फाइनल हैं, 63 सीटों पर ही लड़ना है, बाकी बची 33 में अपने सहयोगी दलों को भी इनको देना है। तो जो दल जो बाकी बचे हैं, छोटे दलों को भी देना है, तो बाकी जो सीटें बची हुई हैं उन पर प्रत्याशी कौन हो सकता है, संभावित प्रत्याशी का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो राय हो आप कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ लोग कहेंगे ये वीडियो आप कई बार बनाए हैं, बिल्कुल मैं कई बार बनाया हूं। एक ही चीज 400 पार 400 पार 500 पार गोदी मीडिया बार बार लोगों के दिमाग में भर रहा है, हजारों बार दिखा रहा है, तो क्या मैं अपने छोटे से चैनल मंच के माध्यम से दो बार तीन बार लोगों को ना बता पाऊँ, बहुजनों की बात, अल्पसंख्यकों की बात को ना उठा पाऊँ। तो पहला नाम जो आएगा आप देख लीजिएगा, मुरादाबाद से एसटी हसन लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आएगा आपको, कन्नौज से अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, या हो सकता है आजमगढ़ शिफ्ट कर जाएं, दो में से एक तो पक्के हैं, लेकिन आजमगढ़ से संभावना जब से गुड्डू जमाली को अपने पास लाए हैं ऐसा लग रहा है कि गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाएंगे। ये कहने वाले तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन हमको नहीं लगता लोकसभा का टिकट मिलेगा, उनको एमएलसी बना देंगे, तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को लड़ा देंगे। तो गोदी मीडिया में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दो सीटें मैक्सिमम दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है, ये उनकी भूल है। मिर्ज़ापुर से जो नाम है नरेश उत्तम पटेल को बनाया गया है प्रभारी, लेकिन वहाँ से जो सबसे चर्चित, सबसे जमीनी नेता के तौर पर लोग पसंद कर रहे हैं बाल कुमार पटेल को। बाल कुमार पटेल इसके पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2019 में सपा से बगावत कर गए थे, पहले सपा में ही थे, चुनाव हार ही गए, लेकिन ठीक ठाक वोट पाए थे, सम्मानजनक वोट पाए थे। अगला है घोसी से जो नाम आ रहा है राजीव राय का, लेकिन यहाँ पर हो सकता है किसी राजभर को चुनाव लड़ाया जा सकता है, नंबर एक पे राजीव राय हैं। उसके अलावा सुल्तानपुर से जो नाम आ चुका है अरुण वर्मा को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पर, अरुण वर्मा, अभी अरुण वर्मा को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने सर्वे एक निकाला है, वो है दैनिक भास्कर का, गोदी मीडिया का सर्वे नहीं है, गोदी मीडिया पे तो ही कोई नहीं पसंद करेगा। तो अरुण वर्मा का नाम प्रबलता से है, क्योंकि पीडीए का नारा भी देना है। वैसे भी आपने देखा अभी राज्यसभा चुनाव में जिन लोगों ने धोखा दिया उनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखो। फूलपुर से नाम आ रहा है पल्लवी पटेल और धर्मराज सिंह पटेल, दो नाम में से एक नाम आप देख लीजिएगा फाइनल हो जाएगा। पल्लवी पटेल को लेकर के असमंजस भी है, लेकिन थोड़ा से धर्मराज सिंह पटेल, क्योंकि वहाँ पर कोई पटेल चुनाव लड़ेगा इस बार। संत कबीर नगर से पप्पू निषाद या किसी यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है या किसी निषाद को, वहाँ से वर्तमान में संजय निषाद के बेटे हैं। बलिया से सनातन पांडे का नाम है, लेकिन हो सकता है अंबिका चौधरी को भी यहाँ से टिकट दे दिया जाए। भदोही से 88 सीट जा रही है, हो सकता है सीट जा रही हो, टीएमसी के खाते में देना चाह रहे हो अखिलेश यादव। यहाँ पर भदोही में समाजवादी पार्टी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड कैंडिडेट लड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीडीए का नारा जब तक नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उधर से वोट आने वाला नहीं है चाहे जिसको लड़ा दो आप। बिजनौर से राम अवतार सैनी का नाम प्रबल है, जौनपुर से तेज प्रताप यादव या किसी अन्य यादव को भी टिकट यहाँ से मिल सकता है। मछली शहर से रागनी सोनकर नंबर एक पे हैं, लेकिन तूफानी सरोज भी कहीं पीछे नहीं है। सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी प्रबल दावेदार है, हो सकता है टिकट भी मिले। बागपत से मनोज चौधरी का टिकट फाइनल लग रहा है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज को टिकट मिल सकता है, और चंदौली से संजय सिंह चौहान,
चंदौली से चंदे संजय सिंह चौहान का टिकट फाइनल लग रहा है। रामपुर से आजम खान के परिवार से कोई टिकट लड़ेगा या उनके कोई नज़दीकी लड़ेंगे। इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे, शंभुदयाल दोहरे का भी नाम है। पीलीभीत से मेनका गांधी को समर्थन दे सकते हैं ये लोग, हो सकता है अगर इधर आ जाए तो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जालौन से दया शंकर वर्मा और महेंद्र कठारिया, इनका नाम प्रबल है। इटावा से लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेमदास कटेरिया और राघवेंद्र गौतम, इन दोनों में से दो पॉपुलर व्यक्ति हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है। मिर्ज़ापुर से मैंने आपको बता दिया, बाल कुमार पटेल मिर्ज़ापुर से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, ज़्यादातर लोग इनको पसंद कर रहे हैं। फूलपुर से मैंने आपको बता दिया क्या, पल्लवी पटेल और धर्मराज सिंह पटेल। रामपुर से अदीब आजम को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं पर आप आ जाइए, अलीगढ़ से बीजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है और राकेश सिंह, दोनों में से एक को टिकट मिल सकता है। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को टिकट मिल सकता है। मैंने आपको बताया, अगर मेनका गांधी वगैरह इस पाले में आती हैं तो उनको लोग समर्थन दे सकते हैं। सुल्तानपुर से मैंने आपको बता दिया, अरुण वर्मा को टिकट मिल सकता है, 41% लोग पसंद करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ताहिर खान को भी लोग पसंद करते हैं, ताहिर खान वर्तमान में विधायक भी हैं। मछली शहर से रागिनी सोनकर का भी नाम प्रबल है, एक अच्छी नेता हैं, मैंने आपको तूफानी सरोज का नाम बताया। मेरठ से अतुल प्रधान को भी लोग पसंद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक कट्टर विधायक हैं, रफीक अंसारी का नाम यहाँ पर चर्चित है। रापरसनगंज, जहाँ पर इस समय अपना दल का कब्जा है, इस सीट पर रवि गौड़ का नाम आगे है, जितेंद्र भारती और परमेश्वर दयाल, तीनों में से एक को टिकट मिल सकता है। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, बिचई सरोज, ब्रजलाल सोनकर में से एक का नाम मिल सकता है, लेकिन दरोगा प्रसाद सरोज को 44% लोग पसंद कर रहे हैं, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक। उसके अलावा मैंने आपको फतेहपुर सीकरी बताना चाहता हूँ, यहाँ से नरेश उत्तम पटेल का नाम 32% पे है, 32% लोग पसंद कर रहे हैं कि यहाँ से नरेश उत्तम पटेल को लोकसभा का टिकट दिया जाए। अशोक पटेल को 24%, विश्वम्भर प्रसाद निषाद को भी 24% लोग पसंद कर रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाए। उसके अलावा तमाम कुछ सीटें अगर हमसे छूट रही हो तो आपसे खेत प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए पर चले, अतिरिक्त ना देखें, क्योंकि अखिलेश जो हैं कभी फरसा लेकर खड़े हो जाते हैं। देखो, जो फरसा थमाए थे आज धोखा मिला ना, धोखा इनको तब तक मिलेगा जब तक अकल नहीं आएगी। नेता बड़े हैं, नेता अच्छे हैं, लेकिन इनको राजभर ने धोखा दिया, देखा आपने, इनको राजभर ने धोखा दिया, इनको पांडे जी ने धोखा दिया, ठाकुर साहब धोखा दे रहे हैं, इनके नवरत्न इनको धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों से इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। टिकट बढ़िया से बांटिए, जनता खुद आपको जिता देगी। टिकट ज़मीनी लोगों को बांटिए, टिकट आसमान से मत टपकाइए, किसी को आसमान से लाकर मत टपका दो कहीं पर। काफ़ी मजबूत स्थिति में इस बार लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी भी। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।